सर आज हम आवाम से पूछ रहे हैं इमरान खान साहब पर जो पाबंदी लग गई है पैमरा की जानिब से, इसके बाद क्या इमरान खान साहब की सियासत पर फ़र्क पड़ा है? नहीं नहीं, इससे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका अपने एक फैन बेस है, उनकी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है, से मतलब इनको कोई फ़र्क मेरे ख्याल से तो नहीं पड़ेगा। जो सोशल मीडिया पर इमरान खान साहब ने सही वक्त पर कह लीजिए अपनी एक फ़ैन बेस बिठाई है और ऑडियंस को जमा किया है, वो काम आ गया है, अब वो डिपेंडेंट नहीं है टीवी चैनल? हाँ नहीं, हाँ ये तो बिल्कुल एक्यूरेट है। उनका अपना एक मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि उनका एक सोशल मीडिया पे जो भी विंग है, मतलब अगर आप उनको ले जाके अगर वो दुबई में भी बैठ के ऑपरेट कर रहे होंगे तो उनका यहाँ पे अपना एक फ़ैन बेस है। जैसे अल्ताफ भाई हैं वो वहाँ से बैठ के भी ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन उनका एक यहाँ पे था फ़ैन बेस, अभी भी है, स्टिल है। तो इसी तरीके से इनका भी अपना एक फ़ैन बेस है, हर किसी का अपना एक है, नून लीग का भी है, जरदारी साहब का भी है, सबका अपना अपना एक फ़ैन बेस है, तो इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इमरान, लेकिन इमरान खान साहब ऐसे सियासतदान नहीं है जो दूसरे मुल्क में बैठ कर ऑपरेट कर। ऐसे ही हाँ, वो आवाम में रह कर काम। यस यस, हाँ वो है तो ऐसे ही। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं क्या इससे इस फैसले से पैमरा को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ तहफ़ कर लिया इदारों का, या फिर इलेक्शन के जो नतज हैं या इलेक्शन जो कैंपेन है उसको मुतासर करने की साजिश है? मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है ये, हाँ मतलब ये मतलब वो चाह रहे हैं, मतलब हर हुकूमत जब भी आती है वो दूसरे के ऊपर मतलब वो अपोजिशन जो भी होता है उसको वो कोशिश करते हैं कि दबाने की, तो मेरे ख्याल से इस हुकूमत ने भी यही कोशिश की है कि इनको मतलब दबाया जाए, लेकिन बात वही है कि उनका अपना एक वो है, वो करेंगे, वो अगर इलेक्शन होते हैं तो मतलब वो उनका जो फ़ैन फॉलोइंग पहले थी मेरे ख्याल से अब ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उनको बैन करने के बाद मेरे ख्याल से तो उस पर कोई वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बात अवामी करते हैं इमरान खान साहब, और अगर अवामी बात गलत है तो फिर पूरी आवाम गलत है, और अगर आवाम ही से आपको वोट चाहिए और आप इख्तदार नहीं छोड़ना चाहते तो फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि इमरान खान साहब की बात भी दुरुस्त है।